और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फैंसी पिगन फार्मिंग के हवाले से मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी आपको इंशाल्लाह ताला उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फैंसी पिगन फार्मिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है कि बच्चे आपके हेल्दी और एक्टिव पलें, उनके फैदर में शाइन हो और उनके जो टेल है ना वो प्रॉपर बनी हो। तो इस हवाले से मैं आज आपके साथ अपना एक फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये हम आपके लिए वो चीज़ें लेके आते हैं जो आसान हो और आजमूदा हो और उससे परिंदों को कोई नुकसान भी ना हो। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर करता हूँ आज आपके लिए। इससे बच्चों की ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, बच्चे हेल्दी होते हैं, पूरे पड़ों में शाइन होती है, उनके पूरे उनके पमोस के ऊपर जो बाल होते हैं वो बड़े बेहतरीन बनते हैं, टेल उनकी बड़ी प्यारी बनती है। तो चलें वीडियो को ज़्यादा लंबा किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आज मैं बाजार से बाय करके लाया हूँ, जो मैं पहले भी अपने ये पिगन को डालता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं ये स्पेशल इसलिए लेके आया था कि इसकी आज मैंने वीडियो शेयर करनी थी। ये बाज़ार से लेके आया हूँ 14 नंबर फीड। ये देखिए, आपने बस ये जेन में रखना है कि लानी 14 नंबर फीड है, क्योंकि ये फीड जो होती है ये ग्रोथ के लिए होती है। ये अभी आपको डेमो के तौर पे ये देखें, वो फीड को देखते कितने अग्रेसिव हो रहे हैं कि हमें डालो। ये आपने करना क्या है कि जो बच्चों वाले पेयर हैं ना, जैसे ये आपके सामने ये देखिए, ये बच्चों वाला पेयर है, तो आपने डालना ये बच्चों वालों पेयर को है कि ताकि वो जब सुबह उठ के आपने दाना डालना है ना कबूतरों को, तो आपने कबूतर दाना नहीं डालना, आपने पहली जब आपने इनको दाना डालना है तो आपने इनको ये 14 नंबर फीड डालनी है। इससे ये होगा कि ये फटाफट खा के और अपने बच्चों को ये खिलाना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर आपने दोबारा जब दाना ख़त्म हो जाएगी 14 नंबर फीड, तो फिर आपने इसके साथ आपने डाल देना कबूतर दाना। उसके बाद ये क्या होगा कि एक बार ये खा के बच्चों के पोटे फुल कर देंगे, उससे जो सारी फीड उन्होंने खाई, एक तो ये नरम होती है ये दाना होता है, ये जब कबूतर खाएगा ना, ये देखें ये दाना आ गया जी, ये देखें ये दाना जब कबूतर खाएगा, खाते साथ पानी पिएगा ना, तो उसी वक्त उसका हजम हो जाएगा और फौरी बच्चे के खिलाने के काबिल हो जाएगा। तो ये आपके सामने डाला है, अभी ये देखें, ये भी इंतज़ार में है, इनका दाना मैं इधर निकाल देता हूँ। ये देखें भी ये खाना शुरू हो गया, ये देखें उधर कैमरे की जो लाइट है ना उसकी वजह से थोड़े परेशान हो रहे हैं, वो देखें कैसे मज़े से खा रहे हैं। अभी इन्होंने खाने के फ़ौरन बाद ये अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे। और ये देखें, ये पहला, हाँ पहले जब आपने सुबह दाना डालना है ना, ज़रा फार्मूला डालने का ना तरीका, ये देखें ये कैसे वही फीड है, ये देखें, ये अभी कैमरा दूर ले जाता हूँ मैं, ये देखें ये कैसे शौक से खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं और ये वाले भी खा रहे हैं। इससे ये होगा कि जैसे ही ये खाएंगे, खाने के फ़ौरन बाद ये अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये भी माशाल्लाह बच्चों वाला पेयर है, ये देखिए बच्चे इसके, वो पीछे ये बच्चे हैं इसके, तो ये अभी खाने के फ़ौरन बाद ये अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो इससे ये होगा कि इनके बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और जल्दी माशाल्लाह बड़े भी हो जाएंगे। ये देखिए अभी अब ये बच्चों को फीड करवाएंगे, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ये खा लें ज़रा पहले, ये अपने स्टमक फुल कर लें, उसके बाद ये अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो उसकी भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खाने के फ़ौरन बाद ही थोड़ा सा पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद ये अपने बच्चों को खिला देंगे। इससे इंशाल्लाह ताला आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे हेल्दी भी होंगे और माशाल्लाह पड़ों में शाइन वगैरह। मैं आपको क्वालिटी चेक करवाता हूँ इनकी, जैसे ये देखें ये माशाल्लाह बच्चा देखें, ये
प्रमोद चेक करें और ये पढ़ो कि भाई नीचे ना जाइए, ये नीचे नहीं जा, नीचे नहीं जाना, ये पढ़ो कि शाइन चेक करें भैया। चल भाई अंदर अंदर चला जा, अंदर चला जा। चल ये देखे माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं। अभी ये ऊपर वाला पेड़ है, इसको भी डाल के दिखाता हूँ, इन्होंने भी बच्चा निकाला हुआ है, इनका भी ये दाना मैं निकाल लेता हूँ। दाना निकाल के ये इतनी ज़्यादा नहीं डालनी आपने, बस ये गौर कीजिएगा मैं कितनी मिकदार डाल रहा हूँ। एक बच्चे के हिसाब से, अभी बच्चा इनका छोटा है तो ये डेढ़ मैंने डाली है, इनके बच्चे का दिखा देता हूँ, जो उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं इनका बच्चा भी थोड़ा छोटा है तो इतना ही डालेंगे। ये देखिए इनका बच्चा, ये देखिए ये भी बच्चा, ये छोटा है, ठीक है जी। तो इस बच्चे के एज के हिसाब से हमने ये इन कितनी मिकदार डाली है, उनके बच्चे ज़रा बड़े हैं। अब ऊपर वाले पेड़ की तरफ आ जाएंगे, इसका भी दाना निकाल दिया, इसका बच्चा खुद खाने के काबिल हो गया हुआ है, इसलिए इनको सिर्फ एक, ये भी ये देखिए ये डाल दिए, ये फ़ौरन ये भी लाइट की वजह से घबरा रहे हैं, जो मैंने ये लाइट ऑन की हुई है ना, ये खाना शुरू हो गया। ये देखें बड़े शौक से खाते हैं, चीज़ ऐसी डालें कि जो ये शौक से भी खाएं। ये देखें वो फीमेल भी उठ के आ गई है, अब आ जाएं जी इस तरफ। ये देखें ये पेड़, इसके भी बच्चे की माशाल्लाह हेल्थ चेक करें, इसकी भी हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसका भी ये दाना निकाल के, इसका भी एक बच्चा है तो इसको भी हम एक मुट्ठी ही डालेंगे, ये एक मुट्ठी, ये देखें ये देखें ये भी माशाल्लाह खाना शुरू हो गया, ये भी खा रहे हैं, ये ऊपर वाले भी खा रहे हैं, ये नीचे वाले भी, ये देखें कितने शौक से खा रहे हैं, ये उससे नीचे वाले भी, और वो देखो उन्होंने खा के बच्चों को खिलाना भी शुरू कर दिया। अंदरा ऊपर क्या मसरूफ़ हो गए हैं, ये पीछे ये देखिए पानी पी रहा है, पानी पीने के फ़ौरन बाद ये अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे। ये देखिए वो खिला रहा है अपने बच्चे को ना, इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, वो देखिए दरवाज़ा खुलने की वजह से पीछे चले गए। मैं थोड़ा सा दूर होकर बैठ के बनाता हूँ ताकि ये अपने बच्चों को सही तरीके से खिलाएं। ये खिलाना शुरू हो गया, वो अल्लाह पाक ने इनको इतनी सेंस दी हुई है कि ये खाने के फौरन बाद कि ये बच्चों को खिलाना है। ये बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़ है जी, ये बड़े अच्छे बच्चे पालता है।
हालांकि इनके बच्चे की माली ये शरारी बच्चे हैं, मैंने तजर्बे के तौर पर इनके नीचे फोर्स किए थे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे बच्चे पालते हैं। बच्चे पालने में ये पेयर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत माशाल्लाह अच्छे बच्चे पाल रहा है। देखा वो फीमेल फिर खाना शुरू हो गई है, उधर वो ब्लैक वाला पेयर भी देखे, वो भी जाके बच्चे को खिला रहा है। ये देखे ये उसने अंदर की तरफ मुंह किया हुआ है, वो फीमेल जाके बच्चे को खिला रही है। और आपको दिखाता हूँ ये खिलाने का फ़ायदा क्या है, ये खिलाने का फ़ायदा ये है कि आप बच्चे की ग्रोथ देखें। ये देखें, ये देखें ना बच्चे की ग्रोथ चेक करें आप। अभी एज इसकी कुछ भी नहीं है, ये पीछे इसकी दुम देखें ज़रा, पूरा माशाल्लाह ताज बनेगा पूरा इसका। ये ऊपर आप इसकी कलियाँ गिन सकते हैं किस लेवल की क्वालिटी आई है माशाल्लाह। ये देखें अभी ये सिर्फ खाएंगे और इसको खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और ये इसकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी। बाकी ये पेयर रह गया है, अभी इनको भी आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। ये मेरा अभी ब्लैक टेल का पेयर है, इसको भी थोड़ी सी डालनी है इतनी। ये देखें ये डाल दीजिए, ये आपको ब्लैक टेल का भी शौक करवाता हूँ। ये माशाल्लाह अभी ब्रीड के काबिल हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये अभी तकरीबन 15-20 दिन तक ये लेंग कर देगा। इनको डाल दिया और डाल के थोड़ा सा मैं जब दूर जाऊंगा फिर ये खाएंगे। ये देखिए ये देखें वो अभी माशाल्लाह खाई जा रहे हैं और जाके बच्चों को खिलाई जा रही हैं। तो जी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अल्लाह पाक आपकी ब्रीड में भी बरकत दे और हमारे लिए भी दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।